अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबू बकर शमशाद और आप देख रहे हैं अबू बकर कार शो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, अल्लाह आपको अपने ज़ोमान में रखे। तो आज जिस गाड़ी का रिव्यू हम करने जा रहे हैं, हमारे पास मौजूद है टोयोटा विट्स 2015 मॉडल है, याद रहे 2015 मॉडल, 2018 की इम्पोर्ट है, 2019 की रजिस्ट्रेशन, याद रहे कि ये हमारे पास विंटेज कार्स पर फॉर सेल है और इसकी डिमांड मैं आपको बताता हूँ लास्ट पे। अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या फीचर्स मौजूद हैं। ये हमारे पास इसकी की है और इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ दिस कार, स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल सिंपल है हमारे पास, इसमें किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है और प्लास्टिक यूज़ की गई है। यहाँ पे टोयोटा का हमारे पास लोगो मौजूद है, अगर देखा जाए तो भाइयों पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। आरएस का एसआरएस का एयरबैग हमारे पास मौजूद है। थोड़ी सी इसमें हमारे पास सिल्वर कलर की प्लास्टिक यूज़ की गई है, गैस अब ब्लैक है। इसी तरह अगर डैशबोर्ड को फुली लुक से देखा जाए तो हमारे पास फुल ब्लैक डैशबोर्ड हमारे पास मौजूद है, सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम के इर्द गिर्द थोड़ा सा ये सिल्वर कलर यूज़ किया गया है, उसमें किसी किस्म का क्रोम वगैरह कोई यूज़ नहीं किया, क्रोम सिर्फ यहाँ पे टोयोटा का लोगो दिया गया है। तो अगर हम इसके मीटर की बात करें तो हमारे पास मौजूद है सिर्फ भाइयों आरपीएम मीटर नहीं है, ये हमारे पास स्पीडोमीटर मौजूद है। इसकी जो टॉप ऑफ द स्पीड है वो है 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये साथ में हमारे पास फ्यूल के नीडल मौजूद है, उसी के पास हमारे पास मौजूद है ट्रिप कंट्रोलर, ये ट्रिप ए ट्रिप बी और ये इसकी भाईजान एवरेज दे रही है ये 2.3 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, खड़ी हुई है। रेंज इसकी 150 किलोमीटर है अभी, तो ये इसकी टोटल जो ये चली हुई है 71,000 भाईजान चली हुई है। तो डीलर्स की तरह बताऊँ तो अंदर से सील टू सील पैक है, ठीक है, पंजाबी अभी बोलने नहीं आती, सीख जाऊँगा आप लोगों के साथ रह रह के। तो यह था हमारे पास इसका स्टीयरिंग व्हील। अगर स्टीयरिंग व्हील के नीचे देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे हैंडल मौजूद है लाइट्स का, और याद रहे कि भाई इसमें फॉग लाइट्स मौजूद नहीं है, सिंपल हमारे पास लाइट्स मौजूद है। और इस साइड पर अगर देखा जाए तो हमारे पास मौजूद है ये वाइपर्स के लिए हैंडल, और यहाँ पे हमारे पास जो स्टीयरिंग व्हील है वो एडजस्टेबल है, ठीक है। अभी इसको हम एडजस्ट करते हैं भैया, लो जी हो गया एडजस्ट, ठीक है, अब नहीं लेगा, पक्की बात है, फुल एडजस्ट कर दिया हमने। ये भाई हमारे पास फॉग लाइट्स के लिए ऑटो का बटन है, ठीक है। ये हमारे पास व्हीकल स्टेबिलिटी के लिए मौजूद है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये एसी वेंट्स, हमारे एयर वेंट्स या एसी वेंट्स हम इन्हें दोनों कैप बोल सकते हैं, ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है, और ये सर्कुलर शेप में है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो साइड मिरर्स हैं भैया वो रिट्रैक्टेबल हैं, तो एडजस्ट कर सकते हैं, आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है, हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास अगर डोर में देखें तो हमारे पास विंडो लॉक का बटन मौजूद है, ठीक है, लॉक अनलॉक का बटन मौजूद है हमारे पास, ऑटो विंडो हमारे पास, ड्राइवर जो विंडो है वो फुली ऑटो है, ठीक है, और बाकी जो हैं वो सेमी ऑटो या हम उन्हें मैनुअल बोल सकते हैं। जो डोर्स हैंडल्स हैं इंटीरियर वो ब्लैक कलर में, ठीक है, काफ़ी अच्छी प्लास्टिक दी गई है, ये थोड़ा सा हमारे पास फैब्रिक्स यूज़ किया गया है, बाकी सारा प्लास्टिक में है, और ये हमारे पास थोड़ा सा सिल्वर कलर जो है वो प्रोवाइड किया गया हमें, जो कि जो अगर इसमें हम ब्लैक में कुछ भी ऐड करते ना थोड़ा थोड़ा तो वो हमें जो लुक्स हैं उनको काफ़ी अपग्रेड कर देता है, ठीक है। और ये हमारे पास फॉइल होल्डर, बोतल होल्डर और ये स्पीकर्स हमारे पास मौजूद हैं, और ऑटो गियर शिफ्ट हमारे पास मौजूद है, और डीवीडी प्लेयर का रिमोट दिया गया है, रिमोटवा पिके याद आ गया, ये हमारे पास भाईजान मौजूद है। कप होल्डर्स, ये थोड़ी सी पर्स वगैरह रखने के लिए स्पेस मौजूद है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो चार्जर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, ये पता नहीं किस चीज़ का ऑप्शन है, ये ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं हमें, ठीक है। ये हमारे पास फैन की डायरेक्शंस, और ये हमारे पास नंबरिंग, ये हमारे पास एसी और हीट एंड कूल, दैट्स द एसी,
और ये हमारे पास ऑप्शंस, ये हमारे पास हैज़र्ड्स का बटन। डैशबोर्ड को देखें तो काफ़ी बल्की लुक्स दी जा रही हैं इसमें से, ठीक है। ये हमारे पास देखें कट्स कितने ज़्यादा हैं इसमें, ये पहले आप आगे से देखें तो बहुत ही आगे इधर से बहुत हैवी किस्म की लुक है, ठीक है। यहाँ से ऊंचा है और वहाँ से आगे जाके नीचे है। ये आप एसी वेंट्स को देखें तो ये अगर ये चेक करें, हमारे पास जो सिविक वगैरह का जो डैशबोर्ड नहीं है उसमें थोड़ा सा मिलता जुलता है ये, ठीक है। जो हमारे पास आजकल सिटी का यहाँ से ये लुक उसकी है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये 2015 में आई है, सिविक 2021 में आई है। ये हमारे पास ऑटो गियर शिफ्ट मौजूद है, और इसके अलावा हमारे पास अगर स्टोरेज प्लेस देखी जाए डैशबोर्ड में तो काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं। फैब्रिक्स में सीट्स हैं, और ये हमारे पास हैंड ब्रेक मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास व्हीकल स्टेबिलिटी का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। ब्लैंक स्विचेस भी हैं हमारे पास, अगर हम कुछ यहाँ पर करवाना चाहें मॉडिफिकेशन तो यहाँ करवा सकते हैं। ये हमारे पास पीछे थोड़ी सी प्लेस मौजूद है, और ये कप होल्डर हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। ये प्रेस को यहाँ से दबाएंगे प्रेस को तो यहाँ पे भाई मीडिया आ जाएगा, ठीक है, प्रेस वाला। तो बाकी ये हमारे पास यहाँ से इसका बोनट ओपन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बोनट ओपन कर दिया है मैंने, तो चलें अभी हम पीछे वाली साइड पे चलते हैं और देखते हैं पीछे हमारे पास लेग स्पेस कैसी है। आगे तो बहुत लेवल की है, ठीक है, तो अभी पीछे देखते हैं पीछे हमारे पास क्या मौजूद है और कैसी लेग स्पेस, हेडरूम कैसा है गाड़ी का, ठीक है। अंदर से बहुत वाइड गाड़ी है, विड्स वगैरह हैं, विड्स हो गई, मीरा हो गई, और आल्टो हो गई, कल्टस हो गई, और ये वैगन आर वगैरह हो गई। ये हमारे पास हैचबैक शेप में हमारे पास मौजूद है, सेडान शेप जैसे। सामने करोला खड़ी हुई है, इस साइड पे ये खड़ी हुई है, ये इसे सेडान शेप बोलते हैं। और इसमें अगर पीछे लेग स्पेस देखें तो भाई मैं बहुत रिलैक्स होकर बैठा हूँ, और लेग स्पेस आप भी देख सकते हैं अभी कितनी ज़्यादा है। ये हेडरूम आप देख सकते हैं यहाँ से कितना ज़्यादा है, और बंदा इसे नीचे होता है। आगे वाली सीट्स में हेड रेस्ट जो है वो काफ़ी बड़े दिए हैं। पीछे वाली सीट्स पर अगर मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ तो ये हेड रेस्ट है, ठीक है। और भैया इसको एडजस्टेबल होना चाहिए, ये एडजस्टेबल नहीं है। चाइल्ड लॉक मौजूद है डोर में, सारा डोर ब्लैक कलर में फिनिशिंग है, ठीक है। और ये हमारे पास बैक स्पीकर्स जो है वो डोर्स में दिए गए हैं, चारों स्पीकर्स डोर में हैं। और पीछे भी कुशनिंग आप देख सकते हैं फैब्रिक्स में है, ब्लैक कलर में। सबसे पहले एक्सटीरियर में हम दिखाता चलूँ कि रेयर माउंटेड एंटीना हमारे पास मौजूद है, ठीक है। जो हमारे पास मौजूद हैं ये हैंडल्स, ये बॉडी कलर में मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे की होल मौजूद है, ठीक है। किसी किस्म का कोई सेंसर वगैरह नहीं यूज़ किया गया इसमें। और जो इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्रंट ऑफ दिस कार टोयोटा विड्स, तो भैया मैं आप लोगों को खोल के दिखा दूँ। ये हमारे पास इंजन आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी मैट दिया हुआ है, ठीक है, इंजन की कूलिंग के लिए। और ये चेक करें कितना साफ सुथरा इंजन है भाईजान। ये हमारे पास 76 के राउंड अबाउट हॉर्स पावर प्रोवाइड करता है हमें। और जो टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क हमें 91 न्यूटन मीटर का प्रोवाइड करता है, ठीक है। 1000 cc गाड़ी है भाई हमारे पास ये। और चलें, यह था हमारे पास इसका बोनट और इंजन। इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्रंट लाइट्स हेड लैम्प्स ऑफ दिस कार, तो हमारे पास हाइलो बीम, हमारे पास हैलोजन हेड लाइट्स हमारे पास मौजूद है, हाइलो सिंगल फ्रेम पे हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और ये हमारे पास इंडिकेटर्स मौजूद हैं, पार्किंग लाइट्स मौजूद हैं भाईजान, फॉग लाइट्स, बम्पर में किसी किस्म की फॉग कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ब्लैक ग्रिल है। क्रोम सिर्फ हमारे पास ये लोगो दिया गया है बिट्स का, ठीक है। और इसमें इसके अलावा कोई चीज़ ऐड नहीं की गई, ठीक है, क्रोम तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा रहा। वी टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार, तो हमारे पास थोड़ा सा ये कट दिया जा रहा है जो फ्रंट डोर से स्टार्ट होके बैक लाइट को टच कर रहा है। उसके अलावा किसी किस्म की इसमें वो नहीं है, सिर्फ दो जो बल्कि लाइंस हैं वो हमें डोर से शुरू होके एक पिछले डोर पे ख़त्म हो जाती है और एक बैक लाइट को टच कर रही है। आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। टायर्स
आप लोग देख सकते हैं व्हील कप्स हमारे पास मौजूद है, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हमारे पास मौजूद है, फ्रंट और ड्रम ब्रेक्स जो हैं वो बैक हमारे पास ड्रम ब्रेक्स मौजूद है। 165/70 का हमारे पास टायर है और 14 inches। इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल रिम्स तो हमारे पास 14 inches के रिम्स होंगे इसमें। दैट्स द बैक ऑफ दिस कार भाई। सबसे पहले मैं देखता हूँ ब्रेक लैंप है या नहीं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ब्रेक लैंप देना बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हमारे पास ये शॉवर बैक वाइपर हमारे पास मौजूद है, टोयोटा का लोगो, ठीक है, जो कि क्रोम से बनाया गया है। ये छोटी सी पट्टी भी क्रोम की है। इसके अलावा बैक कैमरा इसमें इंस्टॉल नहीं है और विड्स की बैचिंग इसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं दी गई, ठीक है। मैंने आपको इसका वो दिखा दिया भाईजान, आप यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू ओपन इट। एंड स्पेयर व्हील हमारे पास मौजूद है भाई, टूल किट हमारे पास मौजूद है और काफ़ी वाइड स्पेस है ट्रंक की भी, ठीक है। और जो फ्रंट बैक सीट्स हैं जो वो भी फोल्डेबल हैं, तो वो एडजस्ट कर सकते हैं हम उन्हें फोल्ड करके, ट्रंक स्पेस को काफ़ी वाइड कर सकते हैं। बैक लाइट्स जो हमें मौजूद हैं हमारे पास वो DRLs में मौजूद हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स हमारे पास मौजूद है, रिवर्स लाइट हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है। ये था हमारे पास इसका बैक लुक। और इसकी अगर हम रूफ को चेक करते हैं तो बिल्कुल सिंपल हमारे पास रूफ मौजूद है, सिर्फ एंटीना है और किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। तो भाइयों अगर आप लोग इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर दिया, आप लोग ऑफ़र कर सकते हैं। इसकी जो डिमांड की जा रही है भाईजान, नॉट अ फाइनल प्राइस, डिमांड इसकी 33 लाख रुपीज़ है, ठीक है। एंड गाड़ी की कंडीशन आप लोगों के सामने है, आप लोग कॉल करके बाकी पता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए अबूबकर कार शो। और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इनकरेज होता रहे ये बंदा भी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।